तो मैं क्या कह रहा था, सफेद कपड़े में नहीं, सफेद कुर्ते में मत बैठो, सफेद कुर्ते में मत बैठो, सफेद कुर्ते में बैठना छोड़ दो। आपको बैठना है इस वर्दी में भाई, इस वर्दी में, इस वर्दी में आपको ये इस तरीके से बैठना है। ये लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है ना भाई, ये इनकी तरह बनना है, इनकी तरह, ठीक है ना। लेकिन इनकी तरह बनने के लिए आपको पहले बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग होना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये हल्का सा वैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, एसएसबी इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस क्वेश्चंस, ठीक है। ये फोटो तो लगा दिए हैं, लेकिन इसी तरीके से आपके कॉन्फ्रेंस होती है। जब आप एनडीए में जाते हो या सीडीएस में जाते हो, तो जहां एसएसबी होगा तो वहां पर कॉन्फ्रेंस होगा, और कॉन्फ्रेंस में इसी तरीके से ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना। जब 5 दिन एसएसबी चलती है तो वो अपनी वर्दी में नहीं होते, उनकी रैंक पता नहीं चलती, वो बिल्कुल नॉर्मल कपड़े में हमारी तरह बेवकूफ से लगते हैं, ऐसा लगेंगे जैसे ये बेवकूफ हो, इससे गधा ही नहीं हो सकता। वो ऐसे बन के रहते हैं तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए, ठीक है ना। बहुत लोगों ने एसएसबी के बारे में भ्रम फैला रखा, पता नहीं क्या क्या। मैं तुम्हें वो जेन्युइनिटी दिखाऊंगा जो वास्तव में एसएसबी होती है। लास्ट डे जब कॉन्फ्रेंस होती है, 5th डे, तो 5वें दिन तुम्हें सारे ऑफिसर जितने भी बेवकूफ दिखाई दे रहे थे ना, वो अपनी अपनी वर्दी डाल के आते हैं, और जब तुम देखोगे ना उनके कंधों पे सितारे और ये यहाँ पर ऐसे मेडल, तुम तो अरे और ये तो ये इस रैंक पे है, तो बड़ी बड़ी रैंक पे मिलेंगे वो तुम्हें अधिकारी। लेकिन बेटा यहाँ भी वो बहुत पोलाइटली आपसे बात करते हैं, तो हम इनको देख के घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है। लोग कहते हैं एनडीए का सिलेक्शन बहुत टफ है, मैं कहता हूं एनडीए का सिलेक्शन बहुत आसान है। अगर डिफेंस में कोई सिलेक्शन आसान है तो बेटा वो एनडीए का सिलेक्शन है। सीडीएस, एफकेट या इसके बाद की एंट्री या ओटीएम, आईएमए, वो इससे कई गुना टफ हो जाती है। बेटा एनडीए में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, मैं कह रहा हूं वास्तव में बहुत ज्यादा आसान है, कोई टफ नहीं है मेरे मुन्ना, मेरे बच्चों, इसमें कोई टफ नहीं है, ठीक है ना। तो वो सारे क्वेश्चन बोर्ड का जो प्रिंसिपल है कैसे पूछता है, मैं सब बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहना जो आपको ये सारी बातें बताए कि भाई यहाँ ये होता है एसएसबी में, वो होता है, ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि जो खुद नहीं गया एसएसबी में, जिसे खुद नहीं पता, वो सारी चीजें इस तरीके से फेंकेगा, उन चीजों का कोई फायदा नहीं, ठीक है भाई। तो मेरा दो ही चीजें बताने का मकसद है आपसे कि ये जो एसएसबी प्रोसीजर होता है बहुत बड़ा हवा है, ये आई बात समझ में, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, दैट इज जस्ट अ बग बियर, इट इज नथिंग। आप, मैं सच बोल रहा हूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एसएसबी क्रॉस करना कोई